भारत के शुमाल मशरकी रियासत मणिपुर में अक्सरियती अमीरती बरादरी और अकलियती कोकी के दरमियान हलाकत खैज नस्ली तशद्दुद फूटने के एक साल से ज़ायद अरसे के बाद भी कुशीदगी बरकरार है। रियासत में बहुत से लोगों के मुताबिक अमन व अमान गायब है। इसी तरह हुकूमत की जानिब से कोई ठोस इकदाम नजर नहीं आता है। भारतीय रियासत मणिपुर में जारी तशद्दुद की गूंज यूरोपीय पार्लियामान में कई माह तक निस्बतन पुरसकून रहने के बाद 1 सितंबर को मणिपुर में तशद्दुद की आग एक बार फिर भड़क उठी। के मुताबिक ड्रोन और रॉकेट हमलों में मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए हैं। इस तरह के फिजाई हथियारों का इस्तेमाल इस तशद्दुद ज़दा रियासत के लिए पहला वाकया है। हुकूमत ने इस तशद्दुद में एक और नमाया इजाफा करार दिया है। मणिपुर में पुलिस का दावा है कि कोकी ग्रुपों ने मेते के जेरे असर इलाकों पर ड्रोन हमले किए। ताहम कोकी तंजीमों ने इन इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए कहा कि ड्रोन इस्तेमाल करने वाले मेते ही थे। मणिपुर तशद्दुद की रिपोर्ट शाया करने पर सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा पिछले साल पहले मरतबा कोकी और मेती ग्रुपों ने एक दूसरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर पुरतशद्दुद हमले किए। मेती जो कि ज्यादातर हिंदू हैं रियासत के दारुल हुकूमत अम्पहाल में और इसके आसपास रहते हैं, जबकि कोकी जो बुनियादी तौर पर मसीही हैं आसपास के पहाड़ों में आबाद हैं। ये पुरतशद्दुद वाकयात मेती कम्युनिटी को सरकारी तौर पर कबायली दर्जा देने के अदालत के लिए एक फैसले के बाद पेश आए। कोकी कबायली इस फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक इस तनाजे में अब तक 225 अफराद हलाक हो चुके हैं और 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं।